बरमुडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां कोई भी जाता है गायब हो जाता है, इसलिए इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। कहते हैं इसके करीब से जिसने भी गुजरने की कोशिश की वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। आज हम आपको कुछ ऐसे जहाज के बारे में बताने जा रहे हैं जो बरमुडा ट्रायंगल के नजदीक पहुंचते ही गायब हो गए। जब वो जहाज मिले तो वो एकदम खाली थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं द मैरी सेलेस्टी 1872। मैरी सेलेस्टी एक ऐसा व्यापारिक जहाज था जो बरमुडा त्रिकोण में लापता हो गया, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। 5 दिसंबर 1872 को ये जहाज अटलांटिक महासागर में पाया गया। कुछ लोगों का कहना था कि इस जहाज को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया होगा, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो चौंकाने वाली बात सामने आई। जहाज में रखा सारा सामान सही सलामत था, लेकिन जहाज में ना तो कोई सवारी थी और ना ही जहाज कर्मी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इस जहाज को वाकई समुद्री लुटेरों ने लूटा होता तो इसमें रखा कीमती सामान ना मिलता, इसलिए ये जहाज एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। एलन ऑस्टिन 1881। 1881 में फिर से यहाँ एक और जहाज लापता हुआ जिसका नाम था एलन ऑस्टिन। ये जहाज न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था जो बरमुडा ट्रायंगल के पास रास्ते में अचानक गायब हो गया। जब इसकी खोज की गई तो इस पर सवार एक भी इंसान का कुछ पता नहीं चला। यूएसएस साइक्लोप्स 1918। यूएसएस साइक्लोप्स नामक जहाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कई साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के लिए 4 प्रोटेस क्लास कोलियर्स में से दूसरा था। ये जहाज 1 जनवरी 1918 तक यूएसए के पूर्वी समुद्री तट की रक्षा में लगा था। इसे खास तौर से ईंधन आपूर्ति के लिए रखा गया था। कहते हैं कि गायब होने से पहले इस जहाज में 306 यात्री और चालक दल सवार था। जैसे ही ये जहाज बरमुडा ट्रायंगल के नजदीक पहुंचा, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। हैरानी की बात है कि जिस समय ये हादसा हुआ उस दिन मौसम एकदम साफ था, लेकिन अचानक जहाज कहां लापता हो गया किसी को कुछ पता नहीं चला। जहाज में जितने भी लोग सवार थे किसी का कोई अता पता नहीं मिला। अमेरिका के इतिहास में इस जहाज का गायब होना और इसमें सवार एक भी इंसान की खबर ना लगना आज भी रहस्य बना हुआ है। एसएस कोटोपाक्सी। एसएस कोटोपाक्सी एक ट्रंप स्टीमर था जिसका नाम कोटोटॉक्सी स्टेटोवोल्कानो के नाम पर रखा गया। ये जहाज 1925 में गायब हो गया। 18 मई 2015 को वर्ल्ड न्यूज डेली रिपोर्ट में एक खबर छपी जिसमें क्यूबा के तटरक्षक ने घोषणा की कि उन्हें अपने आइलैंड में एक लावारिस जहाज मिला है जो एक स्टीमर जहाज था। इस जहाज पर कोई भी सवार नहीं था। इस जहाज को 1925 में लापता एसएस कोटोपाक्सी माना जा रहा था। इस जहाज के रहस्यमय तरीके से सामने आने से इसे बरमुडा ट्रायंगल से जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सका। बताते हैं कि क्यूबा की नेवी ने पहली बार इस जहाज को 16 मई 2015 को पश्चिमी हवाना के सैन्य क्षेत्र में देखा था। जब उन्होंने जहाज के चालक दल से संपर्क साधने की कोशिश की तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। तब उन्होंने अपनी 3 गश्ती नौकाओं को जहाज के पास भेजा। जैसे ही वो लोग इस जहाज पर पहुंचे तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। पता चला कि ये जहाज करीब 100 साल पुराना है जिसका नाम एसएस कोटोपाक्सी है। ये वही जहाज था जो बरमुडा ट्रायंगल में लापता हुए जहाजों की लिस्ट में शामिल था। जहाज पर कोई नहीं मिला, अगर कुछ मिला तो सिर्फ लॉग बुक। इस लॉग बुक में सिर्फ 1 दिसंबर 1925 तक की एंट्री लिखी थी जिसमें लिखा था कि ये जहाज एसएस कोटोपाक्सी है जो 29 नवंबर 1925 को साउथ कैरोलिना के चार्ल्सटन से हवाना के लिए रवाना हुआ था। जहाज के कैप्टन के अलावा इस पर 32 क्रू मेंबर भी मौजूद थे, जबकि जहाज पर 2340 टन कोयला लदा था। फ्लाइट 19 1945। इसे अमेरिका की सबसे ज्यादा चर्चित घटना माना जाता है। कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 6 महीने बाद अमेरिकी नेवी के टारपीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते फ्लाइट 19 के 5 विमानों ने
5 दिसंबर 1945 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ फ्लोरिडा से इस क्षेत्र के लिए उड़ान भरी, लेकिन ये लोग कभी वापस नहीं लौटे। अमेरिका के पूरे 5 टॉरपीडो यान नष्ट हो गए। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटर को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और इन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। फ्लाइट 19 के रेडियो से जो शब्द आखिरी बार सुने गए वो कुछ इस तरह थे, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत हो गया है, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा, समुद्र वैसा नहीं दिखता जैसा कि दिखना चाहिए, हम नहीं जानते कि पश्चिम किस दिशा में है, हमें कोई भी दिशा समझ नहीं आ रही है, हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन इसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। इस हादसे के बाद 13 लोगों की एक बचाव टीम फ्लाइट 19 की खोज में निकली, लेकिन बदकिस्मती से वो भी रहस्यमय तरीके से दुर्घटना का शिकार हो गया। इस तरह एक साथ 6 सैनिक विमान और एक समुद्री जहाज समेत कई वायु सैनिक खोने से अमेरिका में सनसनी फैल गई। इन विमानों के पीछे दूसरी दुनिया का हाथ भी बताया गया। वहीं अमेरिका ने इसके लिए जांच कमेटी बनाई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कमेटी के किसी भी मेंबर के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि आखिर विमान कहां गायब हो गए। C-54, 1947। इस विमान ने 3 जुलाई 1947 को उड़ान तो भरी, लेकिन कभी लैंड नहीं कर सका। हुआ ये कि जैसे ही विमान बरमुंडा के नजदीक पहुंचा, वहां के भयंकर तूफान में फंस गया। विमान में करीब 6 लोग सवार थे। जांच में पता चला कि जब विमान तूफान में फंसा था वो उस समय सुरक्षित बचकर निकल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये समुद्र की गहराई में समा गया। फ्लाइट DC-3, 1948। 28 दिसंबर 1948 को डगलस डकोटा यानी DC-3 फ्लाइट ने फ्लोरिडा के लिए प्यूर्टो रिको के सैन जुआन एयरपोर्ट से उड़ान भरी, लेकिन वो जहाज उतर नहीं पाया, जबकि ये फ्लोरिडा से केवल 50 मील की दूरी पर ही था। उड़ान भरने के बाद इस विमान का कुछ पता नहीं चला। ट्यूडोर स्टार टाइगर 1948। ट्यूडोर स्टार टाइगर 30 जनवरी 1948 को 25 यात्रियों के साथ रवाना हुआ। ये जहाज अजोरेस और बरमुडा में सांता मारिया के बीच अटलांटिक महासागर में गायब हो गया। करीब 5 घंटे तक जब ये विमान अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सका तो करीब 26 विमानों के साथ इसे 5 दिन तक खोजा गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया, कोई नहीं जानता। SS मरीन सल्फर क्वीन मुख्य रूप से 1944 में बनाया गया एक T2 टैंकर था। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तेल ले जाने के लिए अमेरिका ने कई टैंकर बनाए थे, जिनमें से T2 भी एक था, लेकिन 1960 में इसे पिघलाकर सल्फर के टैंक के रूप में बदल दिया। इन टैंकों को हमेशा हाई टेम्परेचर पर गर्म रखा जाता था ताकि सल्फर पिघला रहे। जब ये जहाज टेक्सास से नॉरफोल्क की ओर बढ़ रहा था तब ये अपने साथ पिघला हुआ सल्फर और 39 क्रू मेंबर की टीम को ले जा रहा था। जैसे ही ये जहाज फ्लोरिडा के नजदीक पहुंचा, लापता हो गया। इस लापता जहाज से आखिरी संदेश 3 फरवरी 1963 को मिला था। ट्रिसलैंडर विमान के लापता होने का मामला सबसे ताजा है, जो 2008 में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 15 दिसंबर 2008 को ब्रिटेन नॉर्मन ट्रिसलैंडर विमान 2 लोगों को लेकर रवाना हुआ। उड़ान भरने के करीब 30 मिनट बाद ही ये रडार से गायब हो गया। इस विमान को काफी खोजा गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। तो ये 10 ऐसे विमान थे जो बरमुडा ट्रायंगल के नजदीक पहुंचते ही गायब हो गए। इनके लापता होने या फिर इनमें मौजूद लोगों का आज तक कोई सबूत नहीं मिल पाया है। इसके अलावा और भी कई विमान हैं, लेकिन उनके बारे में कम ही जानकारी उपलब्ध है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।